साथियों जय किसान, मैं रवि आजाद। अभी हम हिसार, यहाँ जो लघु सचिवालय है उसके सामने धरने पर बैठे हैं। और साथियों, लगातार कभी केंद्रीय कृषि मंत्री, तो कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री, कभी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, तो कभी कोई नेता बयानबाजी करना, आंदोलन पर झूठे आरोप लगाना, आंदोलन के ऊपर कीचड़ उछालना, ये काम बीजेपी वालों के रग रग में है। और साथियों, कल एक बार फिर यानी कि 30 जून को मुख्यमंत्री खट्टर जी मीडिया के सामने आए और बोलने की सारी हदें पार कर दी। और मुख्यमंत्री जी का लहजा जैसे कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो किसी गिरोह के गैंगस्टर हैं। एक धमकी भरे लहजे में और हिंसा फैलाने वाली बातें और भड़काने वाली बातें खट्टर जी ने बोली हैं। साथियों, मैं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि धमकी ना दें, आपसे हमें ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी हद में रहे, हद को अगर क्रॉस किया तो फिर परिणाम अच्छे रहने वाले नहीं है। जिसने गुंडागर्दी करी, धमकी दी, हरियाणा ने उसका इलाज किया है। इसी के साथ साथियों, 3-4 बात मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात में बोली है मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि किसान बहुत पवित्र शब्द है और आंदोलनकारियों ने पवित्र शब्द को कलंकित करने का काम किया। खट्टर जी को हम ये बात बताना चाहते हैं, हमारे से ज्यादा किसान शब्द की पवित्रता कोई नहीं जानता। इस आंदोलन ने किसान की पवित्रता को बढ़ाया है और मंदिर जैसा पवित्र यह आंदोलन है। आपसे हमें पवित्रता की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आपने किसान को बेचा, 3 काले कानून ला करके सौदा किया किसान का। आप किसानों को मरवा रहे, आप उनके डेथ वारंट पे साइन करने वालों का समर्थन कर रहे, और उसके बाद फिर पवित्रता की बात करते हैं। आपने हमारी बहन बेटियों को सड़कों पे बैठा दिया, हमारी मंडियों को तोड़ा जा रहा है। और खट्टर जी, दूसरी बात जो आपने कही कि संयम टूटेगा तो फिर टकराव होगा। संयम में हम हैं और असंयमित आप हो, तभी तो आप षड्यंत्र रच रहे, तभी तो आप साजिशें रच रहे आंदोलन के खिलाफ। हर रोज नहीं गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे। खट्टर जी, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा संयम जिस दिन टूटा उस दिन आप मुख्यमंत्री नहीं रह पाओगे और हरियाणा में ये गठबंधन की सरकार नहीं रह पाएगी। इसलिए ये धमकी देना बंद कीजिए। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि टोल खुलवाएंगे, हमने केएमपी के टोल खुलवा दिए, हम केंद्र से फोर्स की मांग करेंगे, टोल खुलवाएंगे। आपको चैलेंज, आप में ताकत हो तो आजमा करके देख लो, टोल फ्री चलेंगे। जब तक चलेंगे, जब तक 3 काले कानूनों की वापसी नहीं होगी। आपको बार बार एक बात का जिक्र कर रहे, चैलेंजिंग भाषा में बात करते हैं, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं होने देंगे, उप मुख्यमंत्री का नहीं होने देंगे। हाँ, डंके की चोट पर कहते हैं, चैलेंज भी देते हैं। जब आपका कार्यक्रम नहीं होने देते हरियाणा में, आपका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते, तो बाकी बीजेपी वालों की और जेजेपी वालों की तो औकात और हिम्मत कुछ नहीं है। गांव बंदी और घोषित कार्यक्रमों का विरोध खट्टर जी आंदोलन चलने के दौरान निरंतर जारी रहेगा, जितनी ताकत हो आप लगा सकते हैं। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वहां इज्जतें लूटी जा रही हैं, स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कानून के साथ खिलवाड़ तो आप लोगों ने उसी दिन कर दिया था जब आप सत्ता में बैठे थे। आप पहले भी हरियाणा को जलवा चुके हैं खट्टर जी, अब दोबारा से आप आग लगवाना चाहते हैं। आपको सीधे तौर पर जो आप आरोप लगा रहे, उन आरोपों के पीछे, उन साजिशों के पीछे आरएसएस है, बीजेपी है और आपकी खुद की हरियाणा की सरकार है। ये षड्यंत्र आपने रचे, हमारे ऊपर आरोप लगाना बंद कीजिए। आप बार बार एक बात कह रहे मुख्यमंत्री जी कि स्थानीय लोगों का विरोध है, मंडिया कहां टूटी। आपको चैलेंज है हमारा, अगर आपको टूटी हुई मंडियां देखनी हो तो हरियाणा के 4 जिलों में चलिए, कैसे अडानी की साइलोज हमारी मंडियों को खा चुके हैं। महंगाई किस कदर है, कानून व्यवस्था किस कदर है, हर वर्ग का हाल क्या है,
इसलिए अंत में मुख्यमंत्री जी आपको सीधी चेतावनी है, हमें धमकी देना बंद करें, हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। विरोध भी रहेगा और आंदोलन भी चलेगा, और जो आंदोलन की तरफ आंख उठा करके देखेगा उसका इलाज भी होगा और बीजेपी वालों का बढ़िया इलाज भी किया जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और जो कल खट्टर ने हमें चेतावनी दी है उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे, और एक एक हरियाणा वासी जवाब देने के लिए तैयार है साथियों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय किसान, जय हिंद साथियों। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद।